नमस्कार दोस्तों, आज हम अव्यय समझने वाले हैं। अव्यय 3 मार्क का टॉपिक होता है, बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क का क्वेश्चन होता है और लगभग 24 अव्यय है हमने यहाँ सभी दिए हैं, तो इनके आज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो किस तरह से, सबसे पहले उनका मीनिंग, उसके बाद हर एक की वाक्य रचना और उसके बाद लास्ट में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उच्च ही, ऊंचा, तो हर एक का मीनिंग तो दिया ही है, वाक्यों के साथ साथ उनका मैं मीनिंग भी समझाते जाऊंगा। अव्यय का अर्थ क्या होता है वो पहले मैं बता देता हूँ। अव्यय मतलब ऐसा शब्द जिसमें कभी भी बदल नहीं होता है, मतलब जिसकी कोई विभक्ति नहीं होती है, जिसका कोई वचन नहीं होता है और जिसका कोई लिंग नहीं होता है, उसे कहते हैं अव्यय। इस तरह से सिंपल व्याख्या है, जैसे बालक बालको बालका, तो इसे हम अव्यय नहीं कहेंगे क्योंकि पुल्लिंग शब्द है और उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो रहा है, इनका कोई भी वचन नहीं होता है, इनका कोई लिंग नहीं होता है, विभक्ति नहीं होती, ओके, इसलिए इसे अव्यय कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले उच्चई का, तो यहां मैं वाक्य लिखता हूं, सह उच्चई ही वदती। तो यहां देखिए, सह उच्चई वदती, तो वह ऊंचा बोलता है, मतलब वह जोर से बोलता है, तो इस तरह से उच्चई का सेंटेंस। उसके बाद च, तो च का भी एक नियम है आपको ध्यान में रखना, मैं बता देता हूं। तो जैसे यहां राम श्याम च गच्छत, तो यहां देखिए क्या क्या हमने यहां च दो शब्दों के बाद रखा है। हिंदी में कैसे है, दोनों के बीच में होता है, मतलब राम और श्याम, मगर संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में आपको जितने भी शब्द हो उन सबके एंड में रखना है। जैसे यहाँ देखो दो है, राम श्याम च गच्छत, मगर मीनिंग वही होगा, राम और श्याम जाते हैं, ऐसा ही मीनिंग होगा, मगर लिखते समय आपको एंड में देना है कितने भी शब्द हो। मतलब यहाँ राम श्याम गीता सीता माला राधा च गच्छन्ती, बस, मतलब कितने भी शब्द हो च हमेशा एंड में रखना है। उसके बाद है श्वः, श्वः मतलब टुमारो, आने वाला दिन, तो यह हमने सेंटेंस दिया है सह श्वः गमिष्यति। अभी देखिए श्वः इसलिए गमिष्यति है, मतलब फ्यूचर टेंस आया, मतलब वह कल जाएगा, इस तरह से उसका मीनिंग होता है। तो जब भी, मतलब एग्जाम में कैसे होता है, यहाँ रिक्त स्थान होते हैं और आपको वहां कोई तो अव्यय इनमें से फिल करना होता है, मैं आप लास्ट में बता दूंगा। तो ध्यान में रखना एक सिंपल ट्रिक, यदि फ्यूचर टेंस आपको दिख रहा है, मतलब रूट लगा दिख रहा है, तो समझ लेना वहां श्वः आएगा ही, तो ये एक सिंपल ट्रिक, तो सह श्वः गमिष्यति, ओके। नेक्स्ट अद्य, तो अद्य सह अद्य लिखति, वह आज लिखता है, वह आज लिखता है, इस तरह से। उसके बाद है यह, यह मतलब यस्टरडे, बीता हुआ दिन, तो उसका वाक्य, तो राम यह अगच्छत, राम यह अगच्छत, तो यहां देखिए यह है इसलिए पास्ट टेंस आया, तो आपको ध्यान में रखना, यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है कि जहां अगच्छत है, तो समझ लेना है वहां आपको यह लिखना है, क्योंकि मीनिंग देखो, राम कल गया था या राम कल गया, इस तरह से उसका मीनिंग है, तो यह मतलब यस्टरडे कल गया, तो ध्यान में रखना है, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट अत्र, अत्र मतलब यहां, तो मैं यहां पढ़ाता हूं, ओके, मैं यहां पढ़ाता हूं, तो यहां लिखते हैं हम अहम अत्र पाठयामी, ओके, अहम अत्र पाठयामी, मैं यहां पढ़ाता हूं। उसके बाद है तत्र, तत्र मतलब वहां, तो उसका सेंटेंस कैसे बनेगा देख, चलिए अहम तत्र गच्छामि, ओके, मैं वहां जाता हूं, तत्र मतलब वहां, मैं वहां जाता हूं। उसके बाद यत्र, तो यत्र मतलब जहां, तो उसका सेंटेंस थोड़ा सा अलग करेंगे हम, सह यत्र गच्छति तत्र हसति, ओके, तो इस तरह से हमने यहां दो अव्यय यूज किए गए, तो जहां यत्र आएगा वहां तत्र आता ही है, तो आपको ध्यान में रखना, यदि सेंटेंस में तत्र आपको दिख रहा है, तो समझ लेना है पहले जगह पर यत्र आना
जरूरी है, तत्र के हमेशा पहले यत्र रहेगा, ओके ये ध्यान में रखना है। तो वह जहां जाता है वहां हंसता है, इस तरह। उसके बाद कुत्र, कुत्र ये प्रश्न निर्माण के लिए यूज किया जाता है, जैसे सह कुत्र गच्छति, वह कहां जाता है, सह कुत्र गच्छति वह कहां जाता है, या राम कुत्र पठति, राम कहां पढ़ता है, त्वं कुत्र गच्छसि, तू कहां जाता है, तो इस तरह से अलग अलग, कुत्र मतलब कहां। उसके बाद है इदानीम, अभी इदानीम अधुना संप्रति और सांप्रतम इनका एक ही अर्थ है, इसलिए इन सब का एक ही में सेंटेंस देता हूं। जैसे मैं यहां लिखता हूं, अहम अधुना पाठयामि, मैं अब पढ़ाता हूं, अधुना, अधुना अब, तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, अहम इदानीम पाठयामि, अहम संप्रति पाठयामि, अहम सांप्रतम पाठयामि, कुछ भी यूज करो, मीनिंग सेम है। एग्जाम में इनमें से कोई भी एक आएगा, ओके, तो डरने की कोई बात नहीं है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ध्यान रखना। उसके बाद है यदा और तदा, दोनों साथ रहते हैं, इसलिए उन दोनों का एक ही सेंटेंस हम समझ लेते हैं, यदा मतलब जब, तदा मतलब तब। तो उसका सेंटेंस, यदा सह वदति तदा सर्वे हसन्ति। तो आपको ध्यान में रखना है, यदि एग्जाम में आपको ऐसे सेंटेंस है जिसमें तदा आपको दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना है पहले यदा है, और यदा यदि पहले, तो समझ लेना है बाद में आपको तदा लिखना है। मीनिंग क्या है, जब वह बोलता है तब सब हंसते हैं, इस तरह से। उसके बाद कदा, कदा मतलब कब, ये भी प्रश्नवाचक है, तो कदा का उदाहरण देख लेते हैं। जैसे यहां लिखते हैं, गणेश कदा क्रीडति, ओके, गणेश कदा क्रीडति मतलब गणेश कब खेलता है, गणेश कदा क्रीडति, कदा मतलब कब, गणेश कब खेलता है। उसके बाद है सहसा, सहसा मतलब अचानक, अचानक मतलब एकदम, मतलब कोई चीज एकदम घटित होना, उसके लिए हम सहसा यूज करते हैं। तो उसके लिए वाक्य, प्रधानाचार्य सहसा आगच्छत, मतलब प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अचानक आए, ओके, इस तरह से आप उसका सेंटेंस बना सकते हो सहसा के साथ, अचानक इस अर्थ में। उसके बाद है वृथा, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ, मतलब मीनिंगलेस, ओके, एग्जांपल, चौरह वृथा वदति, चोर व्यर्थ बोलता है, ओके, मीनिंगलेस मतलब कुछ भी बोलता है, या हम लिख सकते हैं मूर्ख वृथा वदति, मूर्ख व्यर्थ बोलता है, ओके, या वाचाल वृथा वदति, वाचाल मतलब जो बड़बड़ा आदमी होता है और ज्यादा बकबक करता है, उसे कहते हैं वाचाल, वाचाल वृथा वदति मतलब ज्यादा बकबक करने वाला आदमी व्यर्थ बोलता है, मीनिंगलेस बोलता है, तब हम वृथा यूज कर सकते हैं। उसका शनि, शनि मतलब धीरे, ओके, तो उसका सेंटेंस, गज शनि ही चलती, मतलब हाथी धीरे चलता है, और ज्यादातर शनि ही दो बार यूज होता है, गज शनि ही चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है, यहां एक बार हमने दिया है, ओके, गज शनि ही चलती मतलब हाथी धीरे चलता है। तो आप हम ज्यादातर क्या बोलते हैं, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो तब हम शनि शनि यूज करेंगे, यदि हमें कहने की हाथी धीरे चलता है तो शनि ही एक बार, ओके, इस तरह से। उसके बाद है अपि, अपि मतलब भी, तो उसका सेंटेंस, तो हम अपि आगच्छ, तू भी आ, मतलब किसी को हमें इनविटेशन देना है, और हमने किसी को मतलब इन सारे लोगों को इनविटेशन दिया, और सामने एक दूसरा आदमी खड़ा था, तो हम उसे कहेंगे तू भी आ, तू क्यों पीछे रहता है, ओके, सभी को तो इनविटेशन है, तो तू क्यों पीछे रहता है, तू भी आ, तो इस तरह से। कभी कभी हम कहते मैं भी आऊ, तो अहम अपि, तो इस तरह से, तो वहां अपि का यूज होता है। उसके बाद है कुतः, तो कुतः मतलब कहां से, तो उसका सेंटेंस, सिंह कुतः आगच्छति,
तो इसका मीनिंग हुआ सिंह कहां से आता है, सिंह मतलब लायन, तो कहां से आता है। तो आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हो, यदि किसी को आपको पूछना है कि भवान कुतः आगच्छति, आप कहां से आ रहे हो, तो कुतः आगच्छति, इस तरह से। उसके बाद है इतस्ततः, इतस्ततः मतलब यहां वहां या इधर उधर, ओके। जैसे उसका सेंटेंस हम लिखते हैं बालः इतस्ततः भ्रमति, इसका मतलब हुआ बाल मतलब बालक छोटा बच्चा, इतस्ततः भ्रमति मतलब यहां वहां भटक रहा है या यहां वहां घूम रहा है, ओके। तो बालक इतस्ततः भ्रमति, बालक इधर उधर घूम रहा है या भटक रहा है, तो उस समय हम इतस्ततः यूज कर सकते हैं। उसके बाद है यदि तरी, यदि और तरी एक ही सेंटेंस में यूज होते हैं। यदि मतलब इफ, यदि हिंदी में उसे यदि कहते हैं इसलिए हमने यहाँ इफ लिखा है। उसके बाद तरी, तरी मतलब तो उसका एक सेंटेंस यहाँ दिया, यदि तुम आगच्छसि तरी तरी अहम अपि आगच्छामि, यदि तू आता है तो मैं भी आता हूं। इसे हम फ्यूचर में भी ले सकते हैं, यदि तुम आगमिष्यसि तरी अहम अपि आगमिष्यामि, यदि तू आएगा तो मैं भी आऊंगा, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जब तरी रहेगा तो समझ लेना है वहां यदि यूज होना चाहिए, और यदि है तो बीच में बाद में तरी आना जरूरी है, तो एक दूसरे पर ये अवलंबन है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से अब ये टॉपिक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए एग्जाम में किस तरह से आते हैं, यहाँ तीन प्रश्न है और तीन ऑप्शन है, तो आपको जो सही लगता है वहां फिल करना है। तो देखिए नृप डैश अस्ति, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब क्या है, कुत्र, कुत्र मतलब कहा, तो यहाँ कुत्र तो आएगा ही, मगर एग्जाम में क्वेश्चन मार्क रहेगा ही, इसकी कोई गारंटी नहीं, वहां फुल स्टॉप भी हो सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मीनिंग समझ कर करना है, या तो फिर जो आपको पहले आसान लगते है वो पहले कर लेना है, मतलब इसके लिए जगह छोड़ देना है और फिर बाकी करना है, ऐसे नहीं कि पहला दूसरा लिखा और फिर लास्ट में पहला लिखा, ऐसा मत करो, उससे क्या होता है थोड़ा सा इम्प्रेशन डाउन होता है, तो हमें इम्प्रेशन भी सही तरह से रखना है। तो पहले सब लिख लेना है, उसके लिए रिक्त स्थान छोड़ देना है, मतलब जब आपको लगता है कि नहीं ये यहाँ होना चाहिए तो वहां लिख दो और बाद में नीचे अंडरलाइन कर दो, ये करना है। तो नृप अस्ति, तो कुत्र आएगा, मतलब राजा कहाँ है, तो अभी पता है तो हम यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद राधा पुस्तकम अनयत, अभी देखो अनयत, अनयत मतलब ये पास्ट टेंस है, लंग नकार है, तो इसका मतलब यहाँ यह आना चाहिए, यह का मीनिंग होता है यस्टरडे, तो अब वो लिख देंगे, ओके। तो उसका मीनिंग क्या हुआ, राधा पुस्तक कल ले गई, इस तरह से उसका मीनिंग हो जाता है। उसके बाद है तुम गृहम गच्छ, अभी यहां तो बचा हुआ है, तो संप्रति, संप्रति तुम गृहम गच्छ, अब तू घर जा, ऐसा उसका मीनिंग होता है। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल होता है, एग्जाम में तो एक एक्स्ट्रा देता है, मतलब आप चार रहेंगे, यहां चार रहेंगे, चार में से आपको तीन ही करना है, और जो नंबर है वही नंबर डालना है, मतलब क्वेश्चन पेपर में जो नंबर है वही लिखना है, ओके। तो इस तरह से आज हमने ये अव्यय का टॉपिक पूरा कर लिया है, धन्यवाद।